देखो इतनी परेशान मत हो, तुम इतनी टेंशन लोगे तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। देखो अल्लाह ने हमारी बड़ी इज्जत रखी है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी रखेगा। और फाइज तो इतना नेक और सच्चा बच्चा है, हम सबका देखा वाला, हमने तो उसे बचपन से देखा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। मुझे फाइज की नेकी और सच्चाई पर रत्ती बराबर भी शक नहीं है। तो फिर साहब उसके घर वाले हमारी बेटी तो शीशे का दिल रखती है, वो पत्थरों की बारिश कैसे सहेगी? हमारी बेटी बहुत समझदार और सब्र वाली बच्ची है, इंशाल्लाह ताला सब संभाल लेगी। जिस तरह उसने हमारे घर को जन्नत बना के रखा हुआ था ना, ऐसे ही तुम देखना अपने ससुराल को भी बना के रखे। इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा, तुम अपनी तबीयत खराब करोगी और हम सब भी परेशान रहेंगे। दुआ करो, दुआ करो उस बच्ची के लिए कि उसका कल उसकी जिंदगी में खुशियां और बहारें लेके आए। पता नहीं क्यों मैं तो बहुत मुतमईन हूं, मुझे तो पता है कि कल का सूरज हमारे लिए अच्छी खबर ही लेके निकलेगा। चलो घबराओ मत, सब ठीक होगा इंशाल्लाह।